बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। He was a simple barrister, a simple human being believing in religion of humanity. Today, we require the same non-violence principle. It is true, he used to believe in non-violence and ahimsa and all, but I don't think so that is applicable in today's youth. महात्मा गांधी ने हमें बताया कि तीन विषय पे अहिंसा विच इज नॉन वायलेंस, सत्य जो झूठ नहीं बोलना, और एक जो हमको फियरलेस बनाता है। वन मैन व्हाट ही डिड 50-60 इयर्स बैक नोबडी कुड हैव डन यू नो आफ्टर दैट एनी टाइम। सो दैट वन थॉट ऑफ महात्मा गांधी एंड इफ यू प्रमोटेड विद स्वदेशी आई थिंक इट कैन मेक अ डिफरेंस बट इट रियली नीड्स टू बी डन ऑन अ लार्ज स्केल। वी शुड अप्लाई हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस बिकॉज इट्स नीडेड In this world of corruption and violence and what not. गांधी जी का एक सिद्धांत है कि कभी झूठ मत बोलो, लेकिन आज कॉम्पिटिशन ही इतना है। आज कॉम्पिटिशन, मैं ये नहीं कहूँगा कि झूठ कहना अच्छी बात है या फिर किसी ने हमको मारा तो उसको मारने की अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आज का जमाना ही ऐसा है ना, मजबूर रहते हैं लोग। उनके उन्हीं एक मुद्दे को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, और हिंदी में सर्व कार्य समानता भी कह सकते हैं। Wearing this specs does not mean that it's fashionable. It's about yourself, what you believe. That's why I wear this Gandhi specs and I believe in his philosophy. An eye for an eye will make the whole world blind. Taking revenge does not mean you're strong. If you really want to prove how strong you are, try forgiving. See how hard that is. Mohandas Karamchand Gandhi, जिसके principles पे आज भी बड़े बड़े महान नेता लोग उनको फॉलो करते हैं, जैसे कि ओबामा, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, इन सभी ने गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया।